आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, जो कि बनने वाली है बहुत मजेदार और बहुत ही लजीज। जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए दही। दही तकरीबन हमने लिया है आधा किलो, और हमें तकरीबन हाफ कप जो है ऑयल चाहिए। 3 टेबल स्पून हम रेड चिली पाउडर लेंगे, और 3 टेबल स्पून हमने लिया है गार्लिक जिंजर का पेस्ट। 1 टेबल स्पून हल्दी ली है, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून जो है वो धनिया पाउडर लिया है, और 2 टेबल स्पून नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको ठीक लगे। 5 से हरी मिर्चें ले ली हैं, कुछ हमने पत्ते ले लिए हैं उसके, कड़ी पत्ता, और तकरीबन 1 प्याज छोटी 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 करके उसे काट लिया है, और तकरीबन आधा कप जो है ये हमने ले लिया है बेसन, और इसको फिर अब हम भूनेंगे। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल तकरीबन हाफ से भी हाफ कप, बहुत थोड़ा सा, आप अपने हिसाब से ले लें। जब आप ज्यादा ऑयल खाते हैं तो ज्यादा ले लें, कम कुछ करते हैं तो कम ले लें। इसमें हम डालेंगे प्याज, ये प्याज इसमें ऐड कर देंगे। अब इस प्याज को भूनेंगे तकरीबन इतनी देर कि इसका कलर थोड़ा लाइट पिंक हो जाए। इसको डार्क ब्राउन नहीं करना और ब्राउन भी नहीं करना, वरना सालन का कलर खराब हो जाएगा। जब प्याज की शक्ल कुछ इस तरह की सी हो जाएगी, थोड़ी लाइट ब्राउन ही है, तो इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड कर देना है। इसके अंदर अब साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1-2 घूंट, ताकि ये लगे नहीं। और जो हमारा 3 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर था वो डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून हल्दी, और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, ये आप पे डिपेंड करता है जितना आप नमक खाते हो उस हिसाब से। तकरीबन 2.5 टेबल स्पून इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे, हरा धनिया पाउडर। अच्छा, उसके बाद आप इसको मिक्स करेंगे। अब इसको तबीयत से भूनना है, इसका जो सारा पानी है वो उड़ा देना है, और इसे बिल्कुल ड्राई कर देना है। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो चूल्हा बंद करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जो थोड़ी देर पहले मैंने बेसन को रोस्ट किया था वो इस मिक्सर में ऐड कर दिया है, और अब इसका तकरीबन आधा दही इसके अंदर ऐड कर देंगे, और आधा मसाला मिक्सर में ऐड करके मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर अगर स्पेस है तो फिर ये पूरा ही मसाला और पूरा ही दही इसके अंदर ऐड कर दें। अगर आपके पास छोटा है मिक्सर तो आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं, अगर बड़ा है तो आप इसके अंदर पूरा डाल दें। ये डालने के बाद फिर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 कप। अब एक पतीली के अंदर तकरीबन ये जो हमने सारा अपना बैटर बनाया था कड़ी के लिए उसको ऐड करेंगे, और फिर तकरीबन 4 कप पानी ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तबीयत से पानी पानी कर देना है इसको। अच्छा, और इसके अंदर तकरीबन जो हमारी हरी मिर्ची थी 5-6 वो हम ऐड कर देंगे, और कड़ी पत्ते वो ऐड कर देंगे। अब इसको पकने देंगे। अब इसमें उबाल आ गया है और ये काफी थिक हो गया है। अभी थिक हो गया तो मैंने इसको थोड़ा सा चख के देखा, तो इसकी जो खटास है वो थोड़ी मुझे कम लग रही है। अगर इसकी खटास कम लगेगी तो इसके अंदर आधा नींबू या 1 नींबू आप अपने हिसाब से डाल दें ऐसे, उससे ये होगा कि जो खटास है वो आ जाएगी। और अगर आपके पास दही का एक पानी होता है जिसका पंजाबी में नाम होता है मट्ठा, तो अगर आप वो इसके अंदर ऐड कर देंगे ना तो ज्यादा खटास आ जाती है, वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। अगर होता तो वो जरूर आता। इसको आधे घंटे के लिए पकने देंगे, और इसको चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे तो ये लग सकता है, ढकेंगे नहीं, बिना ढके पकाने। अब मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए बेसन। बेसन तकरीबन 2 भर के कप ले लिया है। 2 प्याज लिए, उसको अपनी मर्जी से कचूमर काट देना है, जैसे आपका दिल चाहे, पतला 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 छोटा छोटा। अच्छा, 3 जो है वो हरी मिर्च ले ली है, उसे भी बहुत बारीक 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 काट लिया है, और आधा आधा गड्डी वो के ना हरा धनिया पुदीना वो ले लिया है। 1 टेबल स्पून नमक लिया है, उससे कम भी आप ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, 1 टेबल स्पून से और मजीद ज्यादा मतलब 1.5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ले लिए हैं, और 1.5 टेबल स्पून धनिया ले लिया है। धनिया साबुत है, उसको छोटा छोटा चूरा कर लेना है, और तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है। अब इन सबको मिक्स करना है। अब इसको सबसे पहले मिक्स करेंगे, और इसके अंदर अब डालेंगे पानी। पानी तकरीबन आधा कप डालना शुरू करेंगे आराम आराम से।
और आराम आराम से पानी डालते रहेंगे। बहुत ज्यादा पानी भी ऐड नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं, इतना हो कि ये पूरा जो हमारा बेसन है ये गीला हो जाए। पकौड़े बनाने शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर पकौड़ा डालेंगे, हाथ से भी डाल सकते हैं इस तरह से और ऐसे चमचे से भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी आप जैसे डालना चाहिए। इसकी शक्ल कुछ डालने के बाद इस तरह आ गई है, अब इसको हल्की आंच ही रखी हुई है, अब इसको पलट देंगे। पकौड़े तकरीबन हो गए हैं, इसको कढ़ी के अंदर ऐड कर देंगे। डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ, कुछ लोग डायरेक्ट नहीं भी करते लेकिन मैं तो डायरेक्ट कर रही हूँ। अब बघार के लिए आधा कप ऑयल लेंगे, तकरीबन 5-6 लाल साबुत मिर्चे लेंगे और 1-2 चमचे भर के हमने कड़ी पत्ता ले लिया है, 1 चमचा जीरा लेंगे और इसको जब ऑयल गर्म होगा तो डाल देंगे और फिर बघार लगा देंगे। बघार बनाना शुरू कर दिया है, जब ये बिल्कुल लाल जो है ये तकरीबन डार्क ब्राउन सी होने लगेगी तो हम इसको कड़ी में डाल देंगे। अब इसके अंदर जो हमने बघार लगाया था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये डाल देंगे।